हाय, आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ राकेश नायक और आज हम और पांच प्रॉब्लम लेके आए हैं। पिछले वाले वीडियो में भी हम पांच प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं जो कि एक सिंपल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स थे। इससे पहले कि हम ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। इस चैनल में हम हर एक वीडियो दो डिफरेंट लैंग्वेज में प्रोड्यूस करते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फॉलो कीजिए। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन में भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम यह है कि एक हमको एक ऐसा डीएफए डिजाइन करना है जो कि इनपुट सिंबल ए और बी के ऊपर लेना है और जिसमें कि स्ट्रिंग लेंथ एग्जैक्टली 2 हो। अगर एग्जैक्टली 2 स्ट्रिंग लेंथ होगा तो ये लैंग्वेज में कैसे कैसे स्ट्रिंग लेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। तो ए और बी को लेके जब कर रहे हैं तो ए रह सकता है, ए बी रह सकता है, बी ए रह सकता है या फिर बी बी रह सकता है। इसके पहले कुछ नहीं होगा, इसके बाद में भी कुछ नहीं रहेगा। तो मिनिमम करिए या मैक्सिमम करिए, ये डीएफए का स्ट्रिंग लेंथ जो है 2 ही रहेगा। अगर मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ 2 है तो इसका मतलब क्या है, हमको 2 ट्रांजिशंस चाहिए और 2 ट्रांजिशंस के लिए हमको 3 स्टेट्स चाहिए होते हैं। एक तो हुआ स्टार्टिंग स्टेट क्यू नॉट, ए इनपुट दे या फिर बी इनपुट दे, ये आ जाएगा क्यू वन में। फिर क्यू वन में आइदर ए दे या फिर बी दे, ये आ जाएगा फाइनल स्टेट क्यू टू। कोई भी एक स्ट्रिंग जिसका की लेंथ है 2, इसमें ए ए आ जाएंगे, ए बी आ जाएगा, बी ए आ जाएगा और बी बी भी आ जाएगा। देखिए क्यू नॉट में हम इनपुट सिंबल ए और बी के लिए डिस्कस कर चुके हैं, क्यू वन में हम इनपुट सिंबल ए और बी के लिए डिस्कस कर चुके हैं, अब क्यू टू में कोई भी इनपुट सिंबल के लिए अभी तक डिस्कस नहीं किया है। तो चलिए इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, एग्जैक्टली ये स्ट्रिंग लेंथ 2 होगा, उसके बाद कुछ भी हो जाए ये फाइनल स्टेट में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए और बी के ऊपर एक ट्रांजिशन लेंगे जो कि आ जाता है स्टेट Q3 में, और उसके ऊपर आप कितने भी ए और बी देते जाइए, ये कभी भी फाइनल स्टेट में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा एक डेड स्टेट। क्यू नॉट हो गया इनिशियल स्टेट, Q2 हो गया फाइनल स्टेट और Q3 एक डेड स्टेट हो गया। हम वो स्टेट को डेड स्टेट कहते हैं, कभी फिर वापस फाइनल स्टेट में नहीं आता है। आशा करता हूं कि ये डीएफए आपको समझ में आ गया। तो चलिए इसको थोड़ा सा और एनहांस करते हैं। ऐसा एक डीएफए डिजाइन करते हैं ए और बी इनपुट सिंबल के ऊपर जिसका कि स्ट्रिंग लेंथ इवन हो। तो इवन लेंथ मतलब कैसे कैसे स्ट्रिंग उसमें रहेंगे, एप्साइलॉन रह सकता है, जीरो लेंथ को हम इवन मान के चल सकते हैं, ए बी रह सकता है, बी ए रह सकता है, पहले ए ए फिर बी बी या फिर पहले बी बी फिर ए ए फिर ए बी ए बी, कोई भी कॉम्बिनेशन में हो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ एस और बीस जो है यहां पर इवन होने चाहिए। तो चलिए इसका डीएफए डिस्कस करते हैं। यहां पर हम देख चुके हैं कि जो मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ है वो है 2। अगर हम जीरो लेंथ को इवन मान के चलें तो 0 भी इवन लेंथ होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम लेंथ 0 को इवन मान के चलें तो स्टार्टिंग स्टेट ही फाइनल स्टेट हो जाएगा क्योंकि कोई भी इनपुट नहीं दिए और ये फाइनल स्टेट में आ गया। जब हम यहां पर ये बोल चुके हैं कि ए और बी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो या फिर ए आए या फिर बी आए, क्यू नॉट से क्यू वन में हम आ गए, तो इसका स्ट्रिंग लेंथ कितना हो गया, ए। आइदर यहां पे ए आएगा या फिर बी आएगा। और एक स्ट्रिंग चाहिए जिसका कि लेंथ 1 हो और वो फाइनल स्टेट में आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, क्यू वन में आइदर ए आए या फिर बी आए, फाइनल स्टेट में आ जाना चाहिए। तो जितने बार हम क्यू वन में आएंगे फाइनल स्टेट के लिए उतने बार हम क्यू नॉट में आएंगे। इसका मतलब ये जो पाथ है जितने बार ये पाथ में आएगा उतने बार 2 2 ऐड होता जाएगा।
यहां से हमको इवन लेंथ मिल सकता है, ए आए या बी आए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फाइनल स्टेट में आने के लिए ये पाथ ट्रावर्स करना ही पड़ेगा और हर बार स्ट्रिंग लेंथ में 2 ये ऐड करता जाएगा। और क्यू नट में है ए और बी इनपुट सिंबल के लिए डिस्कस कर चुके हैं, क्यू वन में हम ए और बी इनपुट सिंबल के लिए डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई और मॉडिफिकेशन ये डीएफए में करने के लिए दरकार नहीं है और ये बन जाएगा आपका डीएफए जो कि इवन लेंथ का स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। आशा करता हूं कि ये डीएफए भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं प्रॉब्लम को और एक डीएफए डिजाइन करते हैं इनपुट सिंबल ए और बी के ऊपर, जिसमें कि ऑड लेंथ का स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट हो। ऑड लेंथ का स्ट्रिंग मतलब क्या क्या आ सकते हैं, एक ए भी आ सकता है, ए बी ए ए आ सकता है, खाली बी आ सकता है, खाली ए आ सकता है, ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, लेकिन जो स्ट्रिंग लेंथ है वो ऑड होना चाहिए। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इवन लेंथ को कैसे फॉर्म किया जाए। उस पर अगर हम और एक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 ऐड कर देते हैं तो ये ऑड लेंथ का स्ट्रिंग बन जाएगा। देखिए यहां पर स्टार्टिंग सिंबल में आ गए और यहां पर ए आए या फिर बी आए ये देगा एक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 और 1 जो है ऑड है, इसलिए हम फाइनल स्टेट में आ सकते हैं। और इसके बाद ये पार्ट हम इवन लेंथ के लिए देख चुके हैं, तो जितने बार भी Q2 में आएगा अगर स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाना है तो उतने बार Q1 में आना पड़ेगा, तो ये पाथ जो है लेंथ 2 ऐड करता जाएगा। यहां पर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 और यहां पर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, तो हमेशा ये ऑड लेंथ का स्ट्रिंग को ही एक्सेप्ट करेगा। स्टेट Q0 में A और B डिस्कस कर चुके हैं, स्टेट Q1 में A और B डिस्कस कर चुके हैं और स्टेट Q2 में भी A और B डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें और कुछ भी ऐड करने का दरकार नहीं है। ये DFA जो है ऑड लेंथ का स्ट्रिंग को ये एक्सेप्ट करेगा। आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं प्रॉब्लम को। यहां पर कहा है एक ऐसा DFA डिजाइन करें A और B के ऊपर और वो DFA इवन नंबर ऑफ A's को ही एक्सेप्ट करें। इनपुट सिंबल B के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो B 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ A's जो है इवन होने चाहिए। तो ये किस तरह का स्ट्रिंग को ये एक्सेप्ट करेगा, एक सैंपल देख लेते हैं। A A इवन है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। B A A इवन नंबर ऑफ A's है तो इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। A A B A है इवन नंबर है, इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। A B A इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। एक साथ A नहीं है लेकिन फिर भी इवन नंबर ऑफ A's है। तो देखिए यहां पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि A's जो है एक साथ है, A इवन नंबर ऑफ आने चाहिए और B's के बारे में कुछ नहीं कहा गया। B यहां पर नहीं है, यहां पर 3 B's हैं। तो इस तरह से हम कितने भी नंबर ऑफ B's रख सकते हैं। तो चलिए इसको डिजाइन करके देखते हैं। तो मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ जो है इवन A पाने के लिए वो है 2, तो 2 ट्रांजिशन हमको चाहिए चाहिए और 2 ट्रांजिशन के लिए मिनिमम हमको 3 स्टेट्स चाहिए इस तरह से। सो Q0 से स्टार्ट किए, एक ट्रांजिशन दिए A तो Q1 में आ गए, फिर और एक ट्रांजिशन दिए A Q2 में आ गए। Q2 जो है फाइनल स्टेट हो जाएगा क्योंकि यहां पर इवन नंबर 2 A's एक्सेप्ट कर लिए। तो चलिए Q0 के ऊपर A का डिस्कस हो चुका है, तो Q0 के ऊपर B कितने नंबर ऑफ B होंगे, कितने भी नंबर ऑफ B हो सकते हैं, तो यहां पर हम लूप दे देंगे। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Q0 के ऊपर A और B इनपुट सिंबल डिस्कस कर लिए। सो Q1 के ऊपर A डिस्कस कर चुके हैं, दोनों A के बीच में भी B आ सकता है, हाँ दोनों A के बीच में भी B आ सकता है, तो इसको भी यहां पर एक सेल्फ लूप डाल देंगे क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि A's जितने भी हैं कंसेक्यूटिव हों।
तो Q1 के ऊपर A और B इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन डिस्कस कर चुके हैं। सो Q2 के ऊपर A और B इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन डिस्कस करेंगे। तो यहां पर दो A आ चुके हैं, अगर कितने भी B उसके बाद आए कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर B के लिए एक सेल्फ लूप डाल देते हैं। तो A के लिए यहां पर और एक सेल्फ लूप डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते, क्योंकि यहां पर एक सेल्फ लूप A के लिए डालेंगे तो एक A भी आ सकता है। अगर एक A आए तो A A और A आ जाएगा, तो यहां पर तीन A आ जाएंगे जो कि नहीं एक्सेप्ट होना चाहिए। तो A ट्रांजिशन कहां पर डालेंगे? तो A ट्रांजिशन हम Q1 में डालेंगे, क्योंकि अगर यहां से फ्लो करता है तो यहां पर दो आ जाएगा, लेकिन Q0 में है, अगर A देते हैं तो Q1 में आ गए। फिर अगर स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना है तो Q1 से Q2 में जाना ही पड़ेगा। तो हमेशा ये दो ऐड करता ही जाएगा। सो यहां से दो आ गए, एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद जितने भी दो ऐड करते जाएंगे ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होता जाएगा, क्योंकि ये तो ये इवन नंबर ऑफ A's को ऐड करता जाएगा स्ट्रिंग में। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए और एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए ऐसा एक DFA डिजाइन करते हैं A और B के ऊपर, जिसमें कि स्ट्रिंग BAB कंटेन करता हो। इसका मतलब ये एक सबस्ट्रिंग हो और ये कंसेक्यूटिव में आता हो, तो किस तरह का स्ट्रिंग ये DFA एक्सेप्ट करेगा? देखिए BAB आ सकता है, BAB के पहले कुछ आ सकता है, BAB के बाद में भी कुछ आ सकता है। तो इसको इंडिकेट करने के लिए स्टार BAB स्टार लिखती है। इसका मतलब BAB से पहले कुछ भी आ सकता है और BAB के बाद भी कुछ भी आ सकता है। तो चलिए इसको डिजाइन करते हैं। सो BAB आना है, इसका मतलब मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ है 3। इसका मतलब तीन ट्रांजिशन हमको चाहिए और तीन ट्रांजिशन के लिए हमको चार स्टेट्स चाहिए। इस तरह से Q0 से स्टार्ट किए, इनपुट सिंबल B दिए, Q1 में आ गए, इनपुट सिंबल A दिए, Q2 में आ गए, फिर इनपुट सिंबल B दिए तो Q3 में आ गए। तो ये B A और B कंसेक्यूटिवली हैं और ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। तो चलिए डिफरेंट स्टेट के लिए कौन कौन से इनपुट सिंबल्स मिसिंग है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सो Q0 में इनपुट सिंबल B के लिए डिस्कस कर चुके हैं, तो इनपुट सिंबल A क्या हो सकता है? कितने भी A आ जाए इससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि BAB कंसेक्यूटिव है और ये कहीं पर भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो Q0 के ऊपर A और B डिस्कस कर चुके हैं। सो Q1 स्टेट में इनपुट सिंबल A के लिए डिस्कस हो चुका है, इनपुट सिंबल A के लिए स्टेट Q2 में आ जाएंगे। तो इनपुट सिंबल B के लिए क्या करेंगे? इनपुट सिंबल B के लिए हम Q0 में आ सकते हैं, क्योंकि अगर Q0 में आएंगे फिर और एक B आ जाएगा, फिर BAB आ सकता है, तो ये कंसेक्यूटिव BAB आ जाएंगे। सो Q1 के ऊपर A और B का डिस्कशन भी कर चुके हैं। सो Q2 में इनपुट सिंबल B के लिए डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि Q2 में B इनपुट सिंबल लेते हैं तो स्टेट Q3 में आ जाते हैं। तो यहां पर इनपुट सिंबल A अगर लेते हैं तो ये कौन सा स्टेट में जाएगा? क्या यहां पर हम सेल्फ लूप दे सकते हैं? अगर हम यहां पर सेल्फ लूप देंगे तो एक से ज्यादा A यहां पर आ जाएंगे। इसका मतलब BA एक से ज्यादा A फिर B आएगा, तो BAB कंसेक्यूटिवली नहीं आएंगे, इसीलिए हम यहां पर सेल्फ लूप नहीं डाल सकते। Q2 के ऊपर A ट्रांजिशन के लिए हम Q0 में आ जाएंगे। अगर Q0 में आते हैं तो फिर BAB करके फाइनल स्टेट में जा सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो Q0 के ऊपर B और A इनपुट सिंबल के लिए डिस्कस कर चुके हैं। सो Q3 के ऊपर B और A इनपुट सिंबल अगर लें तो कौन कौन से स्टेट में जाएंगे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ भी इनपुट सिंबल दो, अगर Q3 में आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि BAB ये तीनों कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट के बाद कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं। तो ये एक वे है जिससे कि हम
ये DFA को हम डिजाइन कर पाएंगे। अगर हम Q1 स्टेट में हैं और इनपुट सिंबल B देते हैं तो डिस्कस किए कि Q1 में आ गए, लेकिन क्या हम यहां पर लूप डाल सकते हैं? हां डाल सकते हैं, क्योंकि एक सेल्फ लूप का मतलब 0 या उससे ज्यादा। सो 0 या उससे ज्यादा B अगर यहां पर आएंगे तो BAB तो आ ही जाएंगे ना, तो ये ऐसा नजर आएगा। ये B के बाद अगर 0 नंबर ऑफ B आते हैं तो BAB ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर यहां से एक से ज्यादा B आते हैं तो BAB इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो सबस्ट्रिंग BAB ये तो आ ही जाएगा। तो ये और एक वे है ये DFA को हम डिजाइन कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये 5 प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।